फैमिली कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग को खुश होना भी चाहिए क्योंकि ईद आ रही है यार, और आज हम लोग ईद के आउटफिट सेलेक्ट करने आए हैं। कुछ आउटफिट्स मैं लेकर आई हूँ मीशो के, जो काफी अफोर्डेबल रेंज में मुझे काफी अच्छे खासे मिल गए थे। ट्रेंड तो हर चीज का चल रहा है इस टाइम, मतलब काफी स्टाइल वाली यूनिक चीजें चल रही है, लेकिन कुछ उसमें से ही मैंने निकालने की कोशिश करी है कि शायद मीशो पे अफोर्डेबल रेंज में हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, तो आज हम वही साथ में सेलेक्ट करेंगे, आप भी और मैं भी, कि हम ईद पे क्या पहनने वाले हैं। और आप चूड़ियां देख रहे हो, थोड़ा मेरी लाइट बंद हो गई पीछे, अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ये आप मेरी चूड़ियां देख रहे हो, सोच रहे हो कि इसने इतना कंट्रास्ट करके क्यों पहना। तो मेरा दिल कर रहा था भाई, मुझे अच्छी लग रही थी ये कंट्रास्ट चूड़ियां, मतलब आई लव चूड़ियां। मुझे लगता है कि अगर आप लड़की हो ना तो आपको चूड़ियां पसंद होनी चाहिए, और मतलब काफी अच्छा लगता है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ियां पहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी देख रहे हो आप मेरी, एनर्जी कमर ना टूटी पड़ी है मेरी, कमर में इतना पेन है ना, सीरियसली। मैं आज एक हफ्ते में वापस आई हूँ अपने भाई के घर से, मेरा वहां पे मतलब मैं हॉस्पिटल वगैरह जा रही थी तो वो सब कुछ चल रहा था, मैंने वीडियो भी नहीं चाहिए, मेरा चैनल भी इतना डाउन जा रहा है ना। आप लोगों ने जरा सी सिंपथी नहीं है कि अल्लाह की बंदी की तबीयत खराब है तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दो। नहीं, वीडियो लाऊंगी तो सपोर्ट करोगे, अदरवाइज मैं तो आपकी बहन हूं ही नहीं। ठीक है, पर चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे प्यारा ड्रेस से हम लोग, जो कि है फर्स्ट मेरा ड्रेस ये, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देख रहे हो आप कितनी प्यारी लग रही है ना, तो मुझे भी लगा कि ना शमनी तुम अपने लिए मंगाओ इस सूट को। तो फर्स्ट जो हमारा सूट है वो है ये लॉन्ग, मुझे जुकाम भी हो रहा है, लॉन्ग ड्रेस है हमारा ये, बहुत ही प्यारा। ऐसे पकड़ क्यों नहीं रहा इसको, सिंपल आपको स्क्वायर शेप में यहाँ नेक मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत बारीक सी यहाँ पे लोगों ने लेस लगाई हुई है। सिंपल आपको यहाँ पे बैलून वाली स्लीव्स मिल जाएंगी, जो कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इलास्टिक लगी हुई है। पीछे आपको बहुत अच्छी सी चीज मिलेगी, ये दो आपको स्टेप्स मिलेंगी, जो ये देखो कितने अच्छे से स्टाइल करके इसको बनाया हुआ है, मतलब मुझ में तो कभी इतना दिमाग ना है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ईद के बाद में समर्स कलेक्शन लेके आने वाली हूँ, बहुत तगड़ा वाला, तो प्लीज स्टे कनेक्ट, क्योंकि ईद तक तो मैं व्लॉगिंग ही करने वाली हूँ यार, क्योंकि मेरी कमर में दर्द है पहली बात, दूसरी बात इबादत का महीना है तो मैं फिजूल की चीज नहीं बनाना चाहती, तीसरी बात कि मतलब जो भी मेरा समर कलेक्शन है ना वो मैं ईद के बाद ही लेके आऊंगी, जो कि मैंने इन हाथों से तैयार करा है, तो देखना नहीं भूलना। ठीक है, तो सॉरी, पहला ड्रेस हमारा ये है, जो कि बहुत ही क्यूट सा है। ये देखो यहाँ पे ना ऐसे ब्लाउज की तरह यहाँ पे सिलाई करी हुई है लोगों ने, अभी दिख रहा है ठीक से, है ना। सिंपल ड्रेस है, बिल्कुल प्लेन आपको कुछ नहीं मिलेगा, नीचे बहुत अच्छे वाले फ्लेयर मिल जाएंगे आपको, और नीचे भी इन लोगों ने इस तरीके की लेस दो जगह लगाई हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल ड्रेस है आगे और पीछे से। ओके, ये इसका दुपट्टा है, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेन्जा और टिश्यू का टाइप में है, कुछ मुझे नहीं पता यार, कुछ ऑर्गेन्जा वाला ये। हाँ, तो ये रहा आपका दुपट्टा, जो कि बहुत ही प्यारा है, मतलब जैसे फोटो में दिखाया था ना सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही आएगा। और मेरी हालत देखा है, थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी 2 घंटे पहले आई हूँ अपने भाई के घर से, मुझे आते ही वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने कब से वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं जाती सबसे पहले शूट करूंगी, कमर का दर्द गया भाड़ में। ठीक है, तो ये रहा दुपट्टा, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो यार जितने इसके प्राइस है ना, ये आप देख लेना कितने हैं, इसके प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगा, मतलब इसके लाइनिंग का कपड़ा भी ठीक है, फैब्रिक आप इसका बहुत अच्छा नहीं कहोगे, बट एज अ पार्टी वेयर ड्रेस ना मुझे लगता है कि इस फैब्रिक में होनी चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चमक धमक वाली वाइब आती है, अच्छा लगता है। जॉर्जेट में होता तो भी अच्छा लगता, बट ये भी है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी हम यहाँ अच्छे से समझ लेना। बाकी मैं आपको एक और बार बता दूंगी, ये जितने भी ड्रेसेस मैं दिखाने वाली हूँ इनको मैं रीसेल भी करूंगी, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आता है, साइज सबका एम पहनती हूँ मैं, मेरा जो साइज है वो एम है। ठीक है, तो ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हो आपको अगर कुछ भी चाहिए तो। ओके, इसके अलावा जो दूसरा ड्रेस है वो है हमारा ये भी ग्रीन कलर का है, वो अलग ग्रीन कलर का था और ये अलग ग्रीन कलर का है। ओके, पहले हम इसको खोल लेते हैं। सेकंड ड्रेस हमारा ये है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, मतलब बिल्कुल सिंपल, यहाँ फोटो में देख लो जैसे मैंने ड्रेसेस मंगाया ना, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे डिट्टो वो ही रिसीव हुए। ठीक है, तो सेकंड ड्रेस हमारा ये है, अरे आप किसके स्लीव्स देख लो, कितनी प्यारी स्लीव्स है ना, मतलब जो वो चुन वाली स्लीव जो होती है कितनी प्यारी लगती है वो। ठीक है, यहाँ हमें एक इसका दुपट्टा टाइप में यहाँ स्टाइल करने के लिए हमें यहाँ इसी के जॉर्जेट का फैब्रिक का इस टाइप से अटैच मिल जाता है, जो कि आप इसको स्टाइल कर सकते हो, और यहाँ पे एक बेल्ट भी है वो मैं अभी दिखाऊंगी। और ये देखो इस तरफ से जो इसका ये यार ये पकड़ता क्यों नहीं है कैमरा, तो मतलब यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा लाइनिंग लाइनिंग वाला कपड़ा, मतलब है तो ये जॉर्जेट ही लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का फैब्रिक बना दिया है यहाँ पे, इसमें ये लाइनिंग लाइनिंग है, पास से एक बार देख लो इस तरीके से, सिर्फ इतना इतना जितना इसका ये ऊपर का है ना उतना उतना, नीचे बाकी सब में ये प्लेन है।
प्लेन है, ठीक है। नीचे पीछे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये जिप अच्छे से एडजस्ट करने के लिए, और नीचे इसके यहाँ इस टाइप के घेर मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छे खासे घेर है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे। तो आप देख सकते हो, मतलब मुझे लगता है कि ईद के लिए बिल्कुल परफेक्ट आउटफिट है, नहीं काफी अच्छा लग रहा है ये। और बेल्ट इसकी ये रही, इसके साथ जो हमें बेल्ट रिसीव हुई है ना वो है ये, जो कि हमें रिसीव हुई है ये रही। इसको आप पीछे मतलब अच्छे से करके एडजस्ट करके यहाँ देख लो, इस तरीके से आप इसको टैप कर सकते हो। मतलब मुझे काफी अच्छा लगा इतने प्राइस में, किया इतना तो वर्थ है, इतने में तो होना चाहिए। एंड ईद के अकॉर्डिंग भी मुझे काफी अच्छा लगा, साइज सब में एम ही है इसके। अच्छा आज ना हम थोड़ा फ्री होके बात करते हैं, क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द है ना कि मैं कुछ भी करने के मूड में नहीं। जैसी हालत में मैं आई थी ना, बस मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ हिजाब जरूर मैंने लिया है, दूसरा दुपट्टा पहना हुआ था व्हाइट कलर का, हिजाब ले लिया मैंने। और ये जो ड्रेस है ना, ये स्पेशली मैं बोलूंगी भाभी, अगर यहाँ कोई भाभियां देख रही है ना तो उनके लिए ये ड्रेस परफेक्ट है, क्योंकि मेरे घर में भाभियां आए ना तो मैं हम सबके अकॉर्डिंग ही मंगाती हूँ ड्रेसेस, की कोई भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा हैवी जा रहा था, मतलब मैं हैवी कपड़े ज्यादा नहीं पहनती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं पहन सकते हो अगर आपकी मैरिड नहीं हो आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ। तो जो थर्ड ड्रेस है हमारा वो है ये, सीक्वेंस का इस पे वर्क हुआ हुआ है, सीक्वेंस ही बोलते हैं ना आई थिंक, मुझे नहीं पता है। तो सीक्वेंस का इस पे, सितारों का इस पे वर्क हुआ हुआ है, फुल आपको यहाँ भरा भरा मिलेगा, ठीक है। स्लीव्स भी फुल आपको यहाँ पे इस टाइप के मिलेंगे, वैसे काफी अच्छा लग रहा है, पता है ये नाइट के फंक्शन में ना काफी अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे आपको ये स्लीव्स मिलेंगे, और पीछे आपको ये छोटे छोटे से मोती इसमें इन लोगों ने लगाए हुए, बाकी दामन पे आपको ये बस सेम यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा नीचे की तरफ। और काफी छोटी सी कुर्ती है, मतलब आप इसको ना क्योंकि सिंपल चीज के साथ ही पहनोगे ना तो बहुत क्यूट लगेगी, मैं सामने देख रही हूँ। बट हमें इसके साथ मिला है शरारा, जो कि ये है हमारा शरारा, और शरारे के जो नीज पे ना एक्चुअली गरारा है, ठीक है, जॉर्जेट का फैब्रिक है। गरारे पे जो नीज पे जो वर्क होता है ना, सेम बेल लगी हुई होती है, सेम यहाँ पे मिला। एक बार ही पास से देख लो, पकड़ ले भाई, सेम है यहाँ पर चुन डालकर, और ये नीचे सेम इस पे मोती लगाए हुए, और ये मोती ना काफी अच्छे से फिट करे हुए हैं, आपने देखे होंगे ऐसे वो पेच वेच वाला काम किया हुआ है इन लोगों ने। मुझे ना काफी अच्छा लगा ये, मतलब इनके प्राइस के अकॉर्डिंग ना मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं मुझे। और इसपे चारों तरफ बॉर्डर दिया हुआ है, ये देखो चारों तरफ आपको बॉर्डर मिल जाएगा, सेम फैब्रिक है दुपट्टे का, कुर्ती का और शरारे का सेम फैब्रिक है। ये रहा बॉर्डर आपका, और सेम इसमें ये बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ ड्रेस है वो है ये दुपट्टा, ये भी जॉर्जेट का है। मुझे सारे ड्रेस जॉर्जेट के मिले हैं सिवाय जो हमने फर्स्ट देखा था ना उसको छोड़ के। जॉर्जेट का इसका दुपट्टा है जो कि हम बाद में देखेंगे, जॉर्जेट का ही इसका गरारा है ये भी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कुर्ती। जॉर्जेट की हमें यहाँ कुर्ती मिली है सिंपल नेक की, और यहाँ पे धागे का जो काम होता है ना वो यहाँ पे हमें काम मिला है, वो भी एक सितारे के साथ। मतलब ये देखो छोटू सा ये फूल बना हुआ है, छोटू सा मतलब ये ऐसे फूल बना हुआ है, और उस पर ये सितारा रखा हुआ है, ठीक है। पूरे में आपको ऐसा मिलेगा, स्लीव्स आपको बैलून वाली मिलेंगे, मुझे लगता है ये काफी चौड़ी चौड़ी नहीं लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पैर में पहनने वाला है। खैर बैलून वाली स्लीव्स है, और ये नीचे से इसका बॉर्डर ऐसा है, दिख रहा है ना, ये देखो इस तरीके का ये बॉर्डर है जो कि व्हाइट कलर के सीक्वेंस से और धागे से हुआ हुआ है। हाँ नीचे आप देख रहे हो ना, ये जो कटिंग कटिंग आ रही है ये मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब बहुत क्यूट सी लग रही है। तो यहाँ फोटो में समझ लो कि कैसा लग रहा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पीछे से बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, तो काफी अच्छा लग रहा है यार ये, मतलब क्यूट क्यूट सी मुझे कुर्तियां लग रही है कि वाला भी ना मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ईद के लिए ना ये सारे ही आउटफिट्स ना बिल्कुल परफेक्ट जाने वाले हैं, मतलब इतने सही रेंज में बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। इसका गरारा है ये वाला, जॉर्जेट में ही गरारा मिलेगा आपको पूरा, जो कि इसमें ओ वाह मुझे ये बात पता ही नहीं थी, इसमें तीन बार आपको लेसेस मिलेगी लगी हुई, सिंपल लेस है नॉर्मल जो आती है, ठीक है, जॉर्जेट की। और यहाँ पे आपको फ्लेयर है, और यहाँ पे भी फ्लेयर है, और काफी अच्छे खासे फ्लेयर लग रहे हैं इसमें मुझे, मतलब बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, मैं अपने आपको शीशे में देख रही हूँ, तो काफी स्कर्ट वाला लुक आ रहा है यहाँ, आप देख लेना और अच्छे से, काफी अच्छा लग रहा है मुझे यार ये। इसका जो दुपट्टा है वो भी सिंपल आपको जॉर्जेट में मिलेगा, और ना इनके दुपट्टों की लेंथ वगैरह, दुपट्टों की चौड़ाई वगैरह बहुत अच्छी है, और यहाँ पे आपको डबल लेस मिलेगी लगी हुई, मतलब नॉर्मली दुपट्टों में एक में आती है ना, तो इसमें डबल है ऐसे,
तो सारे ये दुपट्टे हैं, सारी चीजें ना काफी अच्छी है, वर्थ है काफी अच्छा, और काफी चौड़े चौड़े दुपट्टे हैं, मतलब नॉर्मली इतने आते नहीं है, बहुत छोटे छोटे से दुपट्टे देते हैं। ओके, तो सारे ही ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, मुझे लग रहा है काफी शायद मैंने सिलेक्टेड पीसेस लिए थे। ठीक है, इसके अलावा ना मीशो पे यार जो दिखाते हैं ना वो भेजते नहीं है ज्यादातर हैवी ड्रेसेस में, बिल्कुल ईद के मतलब की है, तो मुझे लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, मतलब काफी अच्छी खासी लग रही है यार मुझे इसमें से, अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे सारी प्यारी लग रही है, मैं ऐसे फिर सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ। ओके, एंड इसके अलावा मेरा एक अबाया हॉल आने वाला है, वो देखना बिल्कुल नहीं भूलना, हिजाब मेरा थोड़ा सा बिगड़ चुका है बट इट्स ओके, क्योंकि हमारे कमर में दर्द है, हम इतना काम नहीं कर सकते, हम वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, एंड मैं पहले रमजान से लेकर आऊंगी व्लॉग, मतलब अब मैं व्लॉग शूट करूंगी पूरे महीने, क्योंकि मुझे टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीजों में, तो जो मेरी एक्टिविटी रहेगी ना सारा दिन वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कब नमाज पढ़ रही हूँ, कब खाना खा रही हूँ, कब क्या कर रही हूँ, रोजा रख भी रही हूँ या नहीं रख रही हूँ। ठीक है, वैसे मुझे अल्लाह को दिखाने की जरूरत है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्लीज स्टे कनेक्ट, मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, प्लीज मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, दुआ में मुझे हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।